फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु तो आज का जो सेशन है उसमें आज मैम आपको ऐसे पांच गैजेट्स बता रही हूँ जो कि आपके बोर्ड में आपको हेल्प कर सकते हैं भाई मैम गैजेट्स बता रहे हो सीरियसली टेक्नोलॉजी बता रहे हो एग्जाम के टाइम पे वो भी पढ़ाई करें कि टेक्नोलॉजी चलाएं हम मैम आप तो मना करते हो फोन चलाने के लिए फिर आप बोल रहे हो फाइव गैजेट्स जो आप यूज कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे हाँ भाई अगर तुम्हारे पास दिमाग है थोड़ा सा तो तुम वो पांच गैजेट यूज कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए मतलब कैसे अभी बताती हैं भाई थाम्बा थाम्बा थोड़ा सा थाम थम्ब जाओ भाई इतना जल्दी आने की क्या जरूरत है ठीक है चलो तो लेट स्टार्ट आवर सेशन जिसमें आज मैम आपको बताएंगी आपके ऐसे गैजेट्स जो आप अपने बोर्ड्स में हेल्प कर सकते हैं आपकी मतलब बोर्ड्स की प्रिपरेशन में ये नहीं कि चीटिंग करने के लिए लेके जा रहे हो बाबा चीटिंग करने में पकड़े गए तो फिर एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा ठीक है फिर एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा फिर मेरा ये सेशन उनको मत दिखाना कि मैम नहीं बताया था लेके जाने के लिए लेके जाने के लिए नहीं बता रही हूँ एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हेल्प करने के लिए बोल रही हूँ कि ये इसकी हेल्प ले सकते हो आप ठीक है क्या है देख लेते हैं सबसे पहली चीज अ वेरी गुड लैपटॉप एंड अ टैबलेट क्यों भाई देखो इसको आपको नोट मेकिंग के फॉर्म में नहीं यूज करना है ठीक है नोट मेकिंग के फॉर्म में नहीं यूज करना है इसको आपको यूज करना है टू वॉच आर सेशंस सिंपल simple, as simple as है ना भाई वन के नीडियो देख रहे हो पीवाई क्यूज के देख रहे हो के देख मैरे वॉट एवर यू आर वॉचिंग ये सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो अगर आपके पास एक प्यारा सा अच्छा सा लैपटॉप होगा तो आपको हमारे सेशन अटेंड करने में कोई दिक्कत की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी आपकी यात्रा मंगलमय हो ठीक है ऐसे करके मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगी लेकिन ये दे रही हूँ मैं आपको फिलहाल के लिए कि हाँ जी एक गुड सा लैपटॉप एक टैबलेट अगर आपके पास होगा नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास फोन होगा फोन का यूज कर सकते हो आप हमारे बहुत सारे सेशन वॉच आउट कर सकते हो वन शॉट के पी वाई के मैराथन के जिससे आपका बोर्ड का रिविजन ऑलरेडी हमारे साथ होगा ही होगा और ये तब होगा जब आपके पास लैपटॉप होगा सिंपल नेक्स्ट स्टिकी नोट सेट एंड हाईलाइटर्स भाई ये गैजेट कब से आने लगे वैसे मैं तो इलेक्ट्रॉनिक uh, गैजेट्स की बात कर रही थी लेकिन हमारी कंटेंट टीम ने ये डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है हाइलाइटर और स्टिकी नोट तो आपको पता ही है देखो मैम को तो स्टिकी नोट बहुत पसंद है मैम को ना स्टिकी नोट खरीद खरीद कर रखना बहुत पसंद है कुछ करती धरती नहीं है लेकिन तुम लोग कर लेना क्यों जैसे ही कभी कोई क्वेश्चन कोई डाउट याद आया आया है उस टाइम पे या आया है तुरंत उसको लिख करके चिपका लो कि हाँ ये डाउट पूछने का है इनसे पूछने का है उनसे पूछने का है किसी से भी पूछने का है लेकिन पूछने का है तो इस तरीके से आप इस सेकेंड गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है सिकिनोट्स ऐसा नहीं बोला जाएगा आपको ठीक है यूज कर सकते आप समझे कि नहीं वेरी गुड नेक्स्ट आ जाता है वॉच और स्मार्ट वॉच और मिनट टाइमर कैसे देखो यहाँ पे ना जब हम लोग स्प्रिंट के सेशन लेते हैं ना ठीक है स्प्रिंट के चल रहे हैं आपकी प्री बोर्ड के लिए है ना तो यहाँ पे ये यह जो प्री बोर्ड्स के लिए ना क्या करते हैं हम आपको टाइमर प्रोवाइड करते हैं कि टू मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है वन मार्क वन मिनट मिल रहा है तो भाई एक मिनट में देखो खुद सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो भाई प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हो टाइमर लगाओ तीन घंटे का सॉल्व कर पा रहे हो तीन घंटे में कि नहीं कर पा रहे हो कि बस डब्बा गोल है ठीक है ऐसा नहीं करने का है भाई चेकआउट करो खुद की अंडरस्टैंडिंग को कि सही में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो तो भाई ये सबसे अच्छी चीज है इसको तो भाई टाइमर लगा करके काम करो नहीं करोगे तो प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में जो प्री बोर्ड्स का तो कुछ नहीं कहना वो तो स्कूल लेवल पे हो रहा है लेकिन बोर्ड्स में अगर पेपर छूटेगा ना तो जिंदगी भर गम रहेगा कि हाय मैं पेपर छोड़ करके आ गया जिसका गम मुझे आज तक होता है क्योंकि हिंदी का पेपर का पैटर्न अचानक से चेंज हो गया था जो मुझे पता नहीं चला और मेरा पेपर छूट गया था वैसे मैम बात भी किसकी कर रही है हिंदी की लेकिन छूट जरूर गया था जितने अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे तो उतने अच्छे नहीं आ पाए थे तो ये आपको मैं ऑलरेडी एक पर्सनल वार्निंग दे रखी हूँ कि टाइमिंग पे थोड़ा ध्यान रखना और वो टाइमिंग पे आप तब ध्यान दे पाओगे जब ये लगा करके स्टॉप वॉच लगा करके प्रैक्टिस करोगे ठीक है एवर लास्टिंग स्मार्ट रियूजल नोटबुक्स एग्जैक्टली भाई ये स्मार्ट रियूजल नोटबुक्स आती है ज्यादा महंगी नहीं आती है बच्चों की है जिसमे आप क्या कर सकते हो डाइग्राम्स भाई डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो एकदम पेंसिल की तरह ही होती है ये इसका जो पेन होता है इवन आप इस पर नोट्स भी लिख सकते हो स्टिकी नोट्स कि आपको तुरंत तुरंत कुछ लिखना है इस पर लिख सकते हो इवन आपकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह आप सॉल्व कर रहे हो तो उस पर भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है ये सारी रियूजबल नोटबुक्स ना देखो आप लोग स्मार्ट करो है ना आज के जमाने के बच्चे हो जेनजीज हो आप लोग ठीक है तो टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा स्मार्टली यूज करो ना उसको यू... जब आपका अच्छी जगह पर यूज हो सकता है तो खराब जगह पे का यूज करने का बाबा अच्छी जगह पे यूज करो सिंपल ठीक है एवर लास्टिंग नोटबुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी मार्केट में मेरे हिसाब से जो मैंने देखी है ज्यादा महंगी नहीं है मैं एक यूज भी करती हूँ मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी यूज करती हूँ तो क्यों, मस्त गाने बज रहे होते हैं शादियों के और जब शादियों के गाने बजते हैं तो बड़ा मजा आता है क्योंकि डांस करने का मन करता है तो भाई उन गानों से अपनी आवाजों को अपने कानों को ढकने के लिए आप ये नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन 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 क्यों कर सकते हो गाना सुनने के लिए नहीं थोड़ा आवाज आपके कानों तक कम जाए इसके लिए यूज कर सकते हो समझे 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 वेरी गुड तो भाई ये नॉइस कैंसलेशन के हेडफोन्स आप कानों में लगा करके गाना मत चलाओ लेकिन हाँ इनको यूज करके आप पढ़ने की कोशिश जरूर कर सकते हो इससे आपके कानों में थोड़ी आवाज कम पड़ेगी दिमाग थोड़ा ठंडा रहेगा और पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा तो मन लगाने के लिए ये पांच चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो नहीं करोगे तो भाई बोर्ड्स में राम भरोसे हैं आप लोग हम भी राम भरोसे हैं सब कुछ राम भरोसे है ठीक है सो so सेशन पसंद आ गया हो तो फटाक से लाइक कर दो शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत ठीक है और अगर मेरे ऐसे सारे अमेजिंग सेशन के नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इसका लिंक अगेन सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और ये अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में तो है ठीक है